हेलो फ्रेंड्स, संजीवनी सीरीज में आप सबका फिर से स्वागत है। आज क्लास 12th में बुक वन से हमने आपके थ्री लेसन्स के क्वेश्चंस बनाए हैं, मोस्ट क्वेश्चंस 2020। इसमें हमने ओन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, इंडिगो और इसके अलावा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ लेसन से आपके क्वेश्चंस लिए हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने लिया है ओन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर से। क्वेश्चन है, हु आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, यानी 25 साल की उम्र में पहुंचने से पहले ही कौन बहुत अच्छा पढ़ना सीख जाते हैं? आंसर है, देर आर सम रेयर मैन हु थ्रू अ काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। कुछ दुर्लभ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर जन्मजात साहित्यिक मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती है, क्षमताएँ पाई जाती हैं। इस वजह से वो 25 साल के होने से पहले ही बहुत अच्छा पढ़ना सीख जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू भी हमने इसी लेसन से लिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वॉट इज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट हाफ एजुकेटेड पर्सन, यानी आधे शिक्षित लोगों के बारे में लेखक का क्या अनुमान है, क्या विचार है? आंसर है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड बुक्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट। लेखक के अनुसार आधे पढ़े लोग जो होते हैं, आधे शिक्षित लोग, वो क्या करते हैं, किताबों को केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ अ ग्रेट बुक, एक महान पुस्तक का वास्तविक अर्थ वो समझने में नाकामयाब होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, ये भी हमने इसी से लिया है। वाई हैज रीडिंग फॉर मियर अम्यूजमेंट बीन कंपेयर्ड विद अ नार्कोटिक, जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ाई की जाती है, उसको एक नशे से किसे तुलना की गई है उसकी? आंसर है, रीडिंग फॉर मियर अम्यूजमेंट हैज बीन कंपेयर्ड विद अ नार्कोटिक बिकॉज बोथ पास टाइम, जो कि मनोरंजन के लिए अध्ययन किया जाता है, पढ़ाई की जाती है, उसकी नशे से तुलना इसलिए की गई है क्योंकि दोनों समय को पास करने के लिए काम आते हैं, नशा भी और ऐसा मनोरंजन वाला अध्ययन भी। दे बोथ कीप अ पर्सन इन ड्रीमिंग डिस्ट्रॉय कैपेसिटी फॉर थॉट, ये दोनों व्यक्ति को उसके सपनों में रखते हैं और उसके सोचने समझने की कैपेसिटी यानी क्षमता को डिस्ट्रॉय यानी समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर भी इसी से लिया है। व्हाट डू वी फाइंड व्हेन वी री रीड अ बुक, हम किसी पुस्तक को जब दोबारा पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? आंसर है, अ ग्रेट बुक ऑलवेज प्रोड्यूसेस न्यू थिंग्स बिफोर अ रीडर, एक महान पुस्तक एक पाठक के सामने हमेशा नई चीजें प्रस्तुत करती है। वी फाइंड न्यूअर मीनिंग एंड इंफॉर्मेशन इन अ बुक व्हेन वी री रीड इट, जब भी हम इसको दोबारा पढ़ते हैं तो हमें इसमें नए नए अर्थ मिलते हैं और नई इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त होती है। इट ग्रोज अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ अ रीडर, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पाठक की उम्र बढ़ती जाती है, ये भी अपने आप को विकसित कर लेती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने लिया है आपके क्वेश्चन नंबर फाइव, ये लिया है हमने इंडिगो लेसन से। क्वेश्चन है, व्हाट वर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड पीजांट्स, किसानों में और ब्रिटिश जमींदारों में लंबे समय के लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? आंसर है, द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड पीजांट्स वर इंडियन टीनेंट्स वर टू प्लांट 15% ऑफ दियर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर हार्वेस्ट एज रेंट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स,
यानी कि ब्रिटिश जमींदारों को, उन्हें जो 15% उनकी जमीन थी उस पर खेती करते थे भारतीय किसान, और जो भी नील होती थी उस 15% जमीन में, वो सारी नील वो क्या करते थे, किराए के रूप में ब्रिटिश जमींदारों को दे देते थे, सरेंडर कर देते थे। ये उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेज जमींदारों के और भारतीय किसानों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 इंडिगो से है, वार डिड गांधी जी डू फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर फैमिलीज ऑफ पीजांट्स, किसानों के गरीब परिवारों के सामाजिक सुधार के लिए गांधी जी ने क्या किया? आंसर है, गांधी जी विद मिसेस गांधी टोट द पुअर पीजांस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। गांधी जी ने श्रीमती गांधी के साथ मिलकर उन गरीब किसानों को व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता के बारे में पाठ पढ़ाया, उसका महत्व समझाया। गांधी जी आल्सो गोट अ डॉक्टर फॉर पुअर पीजांस ट्रीटमेंट। गांधी जी ने उन गरीब किसानों के इलाज के लिए भी एक डॉक्टर की व्यवस्था की। प्राइमरी स्कूल्स वर आल्सो ओपन्ड फॉर दियर एजुकेशन, और उनके पढ़ाई लिखाई के लिए वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय भी खोले गए। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने इसी लेसन से लिया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट लेड गांधी जी टू अर्ज द ब्रिटिश टू लीव इंडिया। गांधी जी ऐसी किस बात से प्रेरणा मिली गांधी जी को कि वो भारत से अंग्रेजों को निकालने के लिए तैयार हो गए, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े, ऐसा क्या हुआ? आंसर है, द चंपारण एपिसोड गांधी जीज स्ट्रगल फॉर द राइट्स ऑफ द पुअर पीजांट्स फाइनली टर्न इन टू अ मूवमेंट फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। जो चंपारण एपिसोड हुआ, गांधी जी का स्ट्रगल यानी संघर्ष गरीब किसानों के राइट्स अधिकारों के लिए, फाइनली टर्न इन टू अ मूवमेंट फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों के राज्य से फ्रीडम स्वतंत्रता दिलाने में बदल गया गांधी जी का संघर्ष। तो इस प्रकार जो चंपारण की घटना थी उसने गांधी जी को ब्रिटिश रूल के खिलाफ कर दिया और उस आंदोलन में कूद पड़े। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड गांधी जी टेल द लॉयर्स। गांधी जी ने वकीलों को क्या समझाया? गांधी जी स्कोल्डेड द लॉयर्स फॉर चार्जिंग बिग फी फ्रॉम द पीजांस। गांधी जी ने वकीलों को स्कोल्ड किया, डांटा फटकारा उनसे बहुत बड़ी फीस लेने के लिए। ही आल्सो से डेट इट वॉज नो यूज गोइंग कोर्ट्स। उन्होंने ये भी कहा कि अब कोर्ट में जाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। द पीजांट्स वर क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन। जो किसान है वो काफ़ी कुचला हुआ है, काफ़ी डरा हुआ है। फ्रीइंग देम फ्रॉम फियर वॉज टू बी डन फर्स्ट। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें इस डर से मुक्त किया जाए, उसके बाद में हम कोर्ट में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिया है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, फाइटोप्लैंकटन ग्रास वाला है आपके इस पार्ट का, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए जाइएगा। व्हाई इज फाइटोप्लैंकटन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ बायोडायवर्सिटी इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की जैव विविधता को सर्वाइवल जीवित रखने के लिए फाइटोप्लैंकटन क्यों आवश्यक है? आंसर है, फाइटोप्लैंकटन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ बायोडायवर्सिटी इन अंटार्कटिका बिकॉज इट नरिशेज एंड सस्टेन्स द एंटायर साउदर्न ओशियंस फूड चेन। फाइटोप्लैंकटन इसलिए आवश्यक है वहाँ पर जो अंटार्कटिका की जैव विविधता है उसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये वहाँ पोषण करती है और सस्टेन यानी बनाए रखती है एंटायर यानी समस्त दक्षिणी महासागर की फूड चेन यानी भोजन श्रृंखला को। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइव्स ऑफ द मरीन एनिमल्स बर्ड्स ऑफ द रीजन एंड ग्लोबल कार्बन साइकिल। इसके अलावा ये जिम्मेदार है वहाँ के जो समुद्री जानवर हैं, वहाँ के पक्षी हैं उस क्षेत्र के, इसके अलावा ग्लोबल कार्बन साइकिल यानी चक्र को भी ये बनाए रखती है, वैश्विक कार्बन चक्र को चलाने में
फाइटोप्लैंकटन ग्रास बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने इसी लेसन से लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 भी मोस्ट है। विच प्रोग्राम वॉज द ऑथर अ पार्ट ऑफ ऑन हिज एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका? वाई वॉज द प्रोग्राम सक्सेसफुल? अंटार्कटिका में जब वो गया था वो किस प्रोग्राम का हिस्सा था और ये प्रोग्राम सफल कैसे हुआ? आंसर है ऑन हिज एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका द ऑथर वॉज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस। जब ऑथर अंटार्कटिका गया था तो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का एक हिस्सा था। द प्रोग्राम वॉज सक्सेसफुल बिकॉज इट गेव द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। कार्यक्रम के सफल होने के कारण है क्योंकि ये जो भविष्य के नीति निर्माता है उन्हें जीवन बदलने वाला अनुभव प्रदान किया इस कार्यक्रम ने, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम ने। क्वेश्चन नंबर 11 आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, ये भी इसी से है। व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग? औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि क्यों हो रही है? आंसर है द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ अ बिग होल इन द ओजोन लेयर। ओजोन परत में एक बहुत बड़ा छेद हो गया है, इस वजह से जो वैश्विक तापमान है वो बढ़ रहा है। विच अफेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ पाइथोप्लैंकटन? इससे पाइथोप्लैंकटन की जो गतिविधि है वो बुरी तरह प्रभावित हो रही है। विच इन टर्न अफेक्ट्स द ग्लोबल कार्बन साइकिल? इससे जो वैश्विक कार्बन चक्र है वो बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। फ्रेंड्स, लेसन अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी आपकी क्लास के लिए मोस्ट क्वेश्चंस की सीरीज संजीवनी अपने चैनल पर है, आप उसे भी विजिट करें, उन्हें भी नोट करें। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।